अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आइए नहीं रो रही हूँ, देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर सत्याग्रह और जांच एजेंसियों के वीजा इस्तेमाल के आरोप पर सियासत के बीच राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आज कांग्रेस नेता अलका लांबा धरना प्रदर्शन देते हुए सड़क पर बैठ गई। वो प्रदर्शन करते जमीन पर लेट गई। अलका लांबा लेट गई और कहा कि शांति से बैठी हूँ, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल ने मेरी गर्दन तोड़ने की कोशिश की है। अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आइए नहीं रो रही हूँ, देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर देश रो रहा है, उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है। ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोट कल ठीक हो जाएगी, जो चोट देश के लोकतंत्र को संविधान को पड़ रही है। क्या मेरा नारा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। छोटे ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं है, सेना का जवान गोली का इस देश के लिए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मैम, मैं ठीक हूँ। पर ऐसे होगा नहीं ना, ऐसा होगा नहीं ना, ये तो हम ओके मैम, इलाज की जरूरत है सरकार को, मैं बैठी हूँ निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, हूँ खतरा किसी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए, किसी के लिए खतरा हूँ ये भी जानते हैं हम, जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद। बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं, नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से, देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है, आत्महत्या कर रहे हैं वो, माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लपेट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा, वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया, उसको सफेद